मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों सबको जय मसीह की। मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम सीखेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि हमें किस तरीके से भोजन करने से पहले हमें हर दिन प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्तों प्रभु ने हम लोगों पर दया किया है, अनुग्रह किया है कि रोज दिन प्रभु हमको भोजन देते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों बहुत सारे लोगों को भोजन नहीं मिलते, वे फुटपाथ पे मांगते हैं, लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों हम लोगों पर प्रभु ने अपना अनुग्रह किया है कि हमें घर बैठे भोजन मिलता है और रोज दिन हम उन्हें खाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों हमें हर दिन प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। जब भी हम भोजन करते हैं उससे पहले हमको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों जब हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और भोजन पर प्रभु की आशीष को मांगेंगे, जब हम उस भोजन को खाएंगे तो हमारे शरीर में फायदा करेगा, कोई हानि नहीं करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों हम लोग जब भी भोजन करते हैं उससे पहले हम प्रभु की आशीष को अपने भोजन पर मांगेंगे और सीखेंगे कि हमें किस तरह से प्रभु की आशीष को अपने भोजन पर मांगना है। जब प्रभु अपने आशीष को, अपने मसा को हमारे भोजन पर रिलीज करेंगे, देंगे, तो जब भी हम उस भोजन को खाएंगे तो हमारे शरीर में फ़ायदा ही फायदा होगा। उस भोजन करने से हमारे शरीर में कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आइए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों हम इस प्रार्थना को करते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और आप लोग भी इन प्रार्थना को सीखें और रोज दिन भोजन करने से पहले इन प्रार्थना को जरूर करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप धन्य हैं, आप पवित्र हैं प्रभु जी। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु जी आपने इस संसार की रचना की, इस संसार में रहने वाले हर एक जीव जंतुओं को, हर एक मनुष्यों को मेरे प्यारे प्रभु जी आपने ही बनाया है। हे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी आप ही हमारे परिवार में सुख शांति बरसाते हैं, हमारे परिवारों में शांति बनाए रखते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, हे मेरे सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर आप ही हमारे चरवाहे मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपके भेड़ बकरियां हैं। हे प्रभु जी आप ही हमारी देख रेख करते हैं, हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आज के इस दिन में प्रभु जी आपने हमारे घरों में भोजन दिया मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपने हम पर दया किया प्रभु जी, बहुत सारे लोगों को भोजन नहीं मिलता, लेकिन मेरे प्यारे प्रभु जी आपने हम पर अपना अनुग्रह किया, अपनी दया किया। हे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी हम आपको आमंत्रित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु जी आइए और हमारे साथ भोजन करिए। हे पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, अपनी दया बरसाइए। जिस प्रकार आपने हम पर दया बरसाई और अब भोजन दिया, हे प्रभु जी उसी प्रकार हम पर दया बरसाइए और इस भोजन को प्रभु जी आशीषित कीजिए। हे पिता परमेश्वर इस भोजन पर अपनी मसा कीजिए, ताकि प्रभु जी जब हम इस भोजन को खाएं ये हमारे शरीर में लगे, ये हमारे फायदा करे बल्कि हानि ना करे। हे पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर अपनी दया दिखाइए और इन भोजन पर अपनी आशीष बरसाइए। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों जब भी आप प्रभु की आशीष को, प्रभु की मसा को इस भोजन पर मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, भोजन को खाते हैं, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप लोग भोजन को वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, क्योंकि भोजन प्रभु की ओर से मिलता है। बहुत सारे लोगों को भोजन नहीं मिलता, लेकिन प्रभु हमें भोजन देता है, इसलिए भोजन को बर्बाद नहीं करें। आप प्रभु की आशीष को, अगर आप भोजन को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो आप प्रभु की आशीष को बर्बाद करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग भोजन को वेस्ट ना करें, आप जितना खाते हैं उतना ही लें और उस पर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आशीष, प्रभु की मसा को मांगें। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों हम विश्वास करते हैं कि आप लोगों ने इन प्रार्थनाओं को सीखा और आप डेली भोजन से पहले इन प्रार्थना को जरूर करेंगे। सभी को जय मसीह की।